राखी आ रही है, भैया को फोन लगाती हूँ, बात करती हूँ उससे, क्या पता मुझे राखी के लिए बुला ले, फिर मैं राखी मना के आऊँ। चलो फोन लगाती हूँ। हेलो, अरे भाभी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? भैया कहाँ है? भैया भैया ना जरा वॉशरूम में है। बोलो क्या काम था तुमको? अरे कुछ नहीं भाभी, वो मैंने राखी भेजी थी, मिली क्या आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली राखी। भेजी है क्या? ओ, आपको राखी नहीं मिली? अच्छा कोई नहीं, एक दो दिन में शायद आ जाया, तो आप मुझे बता देना, ठीक है भाभी? अच्छा ठीक है, मैं ना तुमको बता दूंगी, जैसे ही मिलेगी ना मैं तुमको बता दूंगी, ठीक है? अच्छा चलो बाय। भाभी भाभी ने तो मुझे बुलाया नहीं, मुझे लगा मुझे बुला लेंगी। कोई नहीं, भाई का घर है, मैं तो चली जाऊंगी, राखी बांध के आ जाऊंगी। हाँ भाभी, मैं सोचू राखी को भी भरोसा नहीं है, आए ना आए टाइम पे, मैं आ ही जाती हूँ घर पे। तुमने ना जैसे ही फोन रखा वैसे ही तुम्हारी राखी आ गई रानी, तो ना अब तुम चिंता मत करो। हाँ मैं ना बुढ़िया के हाथ से तुम्हारी राखी बंधवा दूंगी तुम्हारे भैया को, ठीक है? तुम्हें आने की क्या जरूरत है? क्यों खामों का खर्चा करती हो अपना, इतना पैसे बचाओ ना। अच्छा चलो चलो रानी। अच्छा ठीक है, चलो भाभी मैं रखती हूँ, बाय। कितना झूठ बोलती है भाभी मेरी, मैं तो राखी भेजी ही नहीं, बुलाना ही नहीं चाहती। अच्छा हुआ मैंने झूठ बोल दिया, वरना ये तो मेरे घर टपक जाती और 10 दिन से पहले जाती ही नहीं। और ये दो वो दो, हे भगवान, अच्छा है अब नहीं आएगी।